आज का हमारा टॉपिक है ट्रू फॉल्स। ये क्लास 11th की बुक में से कुछ चैप्टर के बीच में से लिए गए हैं। फर्स्ट है, इफ़ द गुड्स आर सोल्ड और सप्लाइड फ्रॉम दिल्ली टू गुरुग्राम, इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई। इसका आंसर होगा ट्रू। लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, इसका भी आंसर होगा हमारा ट्रू। थर्ड है, लेजर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ जनरल, इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। फोर्थ है, कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडायरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, इसका आंसर होगा ट्रू। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड इन टू लेजर अकाउंट, इसका भी आंसर हमारा होगा ट्रू। GST is not levied on salaries and wages, इसका आंसर भी होगा हमारा ट्रू। बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। एट्थ है, बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, इसका भी आंसर है फॉल्स। गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट, इसका आंसर है हमारा फॉल्स। परचेज इज अ रिवेन्यू, इसका आंसर है फॉल्स। 11th है, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, इसका आंसर भी हमारा है फॉल्स। 12th है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इसका आंसर है ट्रू। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसका आंसर भी हमारा है ट्रू। 14th है, रिजर्व कैन बी स्पेसिफिक जनरल, इसका आंसर भी है हमारा ट्रू। एंड लास्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, इसका आंसर है हमारा ट्रू।